विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में सुबह 5 बजे से हजारों की संख्या में बाहरी राज्यों से आए हुए श्रद्धालु लाइनों में ज्वाला माँ की ज्योति के दर्शन कर रहे हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में सुबह 5 बजे से ही हजारों की संख्या में बाहरी राज्यों से आए हुए श्रद्धालु लाइनों में ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन कर रहे हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। छठे नवरात्रे में कात्यायनी माँ का पूजन किया जा रहा है। पुजारी सौरभ शर्मा ने कहा कि आज छठा नवरात्र है और माँ ज्वाला का कात्यायनी माँ के रूप में पूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छठे, सातवें व अष्टमी नवरात्रे को 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा और उन्होंने कहा कि आज सुबह 5 बजे से ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्रे को हजारों श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। आज छठा नवरात्र है, माँ श्री कात्यायनी के रूप में है, आज के जो छठा नवरात्र है उसको पूजन किया जाता है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ के चरण में है लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। सवेरे 5 बजे से है माँ के दर्शन शुरू हो गए थे। आज कल और परसों 3 दिन जो है माँ का दरबार रात्रि 3 दिनों के लिए रात और बजे में खुला रहेगा दर्शनों के लिए। जय माता। कपूरथला श्रद्धालुओं ने कहा कि मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं और प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है। कहाँ से आए जी आप और आपको माता के दर्शन कैसे हुए? माता के दर्शन मुझे बहुत अच्छे हुए, हम कपूरथला से आए। और प्रशासन का इंतजाम कैसा है? बहुत अच्छा इंतजाम। श्रद्धालु ने कहा कि मैं वकील हूँ और माँ के दर्शनों के लिए आया हुआ हूँ। कल चिंतपूर्णी माँ के दर्शन किए और आज ज्वाला माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए और प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है। आया हूँ मैं बतौर वकील काम करता हूँ। यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। कल जो थे वहाँ पर माथा टेक कर चिंतपूर्णी माता के रात यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर कुछ दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है, सब कुछ ठीक था।